गांव से, पूजा वूजा हो गई है सब। तो अब यहाँ पे तो मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा ठंडा, बारिश भी हो रही है, धुंध भी लग रही है, लेकिन अब दोबारा सड़ी गली गर्मी में दिल्ली वापस जाओ। तो भाई करते हैं गांव को अलविदा, मिलते हैं आपको आगे। गांव में ऐसे तिलक लगाते हैं हमारे। अरे भाई नमस्ते। अरे उल्टा कह रहा है भाई नमस्ते। ये 200 साल पुराना घर है, मतलब उत्तराखंड में सब घर ऐसे ही होते हैं, बहुत पुराने पुराने। अब तो खैर सब वैसे बन गए हैं दूसरे टाइप के, लेकिन ये पुराने घर है 200 साल, अब भी इनमें लोग रहते हैं। तो ऐसा कि ऐसा जैसे आप देख सकते हैं, अभी भाई एक सब लोग दीदी लोग जा रहे हैं, ये दीदी जा रही है, देखो ताऊ जी लोग नमस्ते करने जा रहे हैं, ये अपना हिमी बहुत बाहुबली, ये भाई आ गए अपने, देखो घंटी बजाते हैं, ये हमारा गेट है एंट्री गेट। तो अभी जा रहे हैं सब लोग, और ये आदमी देखो इसी जगह देखो ध्यान से, ये अभी तक गांव में था, आज जा रहा है मेरे को तो सारे छोड़ के जा रहा है, ये भी जा रहा है नैनीताल की ओर प्रस्थान करते हुए, और ये मेरा पलवल जा रहा है। खराब है, जाना तो था नैनीताल घूमने के लिए, लेकिन दूर से दर्शन करके आना पड़ेगा। और ये देखो ये राजा भी जा रहा है, मैं खींच रहा इसमें चप्पल भाई जा रहा है, मुझे बोला था मैं जा रहा हूँ, ब्रेक ले रहा है, मजे ले रहा है, बैग के साथ मजे ले रहा है। हेलो भाभी भाई मिलते हैं। तो भाई गाड़ी आ गई है नीचे दुकान पे, और हम हो गए जाने के लिए रेडी। भाई भाई ठीक है, फ़ोन करिए पहुँचते, फ़ोन करके भाई पहुँच मिस कॉल बाय बोल दे, बाय बोल दे, इधर इधर बाय बोल, बाय बोल, एक पारी दे एक एक मेरे को भी दे, मेरे को भी आगा दे पास। ओ बात ले अब हम नथिंग, इतनी ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती हमें, और हम अपने औकात पे बैठ गए हैं, हमें आगे सीट नहीं मिली है, हमें डिग्गी में फेंक दिया। परेशान है, दोनों विंडो है दोनों साइड, अभी एक इस साइड में लगी थी, अभी एक इस साइड लग गई है, बीच में हम पिंच के कोई बचाओ, हमारा बहुत बुरा हाल है, एक तो हमें डिग्गी में फेंक रखा है भाई, दुखी हो गए हम तो, एक तो जहाँ सामान रखते वहाँ हमें रखा वहाँ हमें ऊपर से आके बैठ कर विंडो मार रहे हो यार। हमें क्यों कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है हमेशा, लड़कों को क्यों, लड़कियों को क्यों नहीं, चलो बाहर के सीन देखते हैं। Thank you.
भाइयों हम यहाँ पे उतर गए हैं, इन्होंने पूरी गाड़ी में छिछी कर दिए। छिछी जामुन कहाँ? अरे वाह, चलिए चल मोटे, नींद टूटेंगे, नींद टूटेंगे। यहाँ पे जामुन के पेड़ भी हो रखे हैं क्या? जामुन बोलो, जामुन खिला दो यार थोड़े, हमें भी पानी आ रखा है। अरे रूपा जल्दी धो दे कपड़ा उपड़ा, इतना टाइम नहीं है हम पे। जल्दी धो रहे कपड़े। तुम भुक्कड़ हर जगह चालू हो जाओ। मतलब कैमरा के आगे बीच में सरका दिया और कैमरा के पीछे उसे भगा दिया। देखना अब देखो असलियत, ये देखो बहन आ रे भैया रे, दोनों एक दूसरे को तगड़ा प्यार है तगड़ा। राहुल हम भी ऐसे खवाएंगे तो भाई है ना ये। ऐसी जगह बैठ के आराम से शांति से पकोड़े खाओ, या फिर दोस्तों के साथ बैठो, या फैमिली के साथ बैठो, बहुत अच्छा लगता है यार सच में। यार मजा आ रहा है, मजा इसमें मजा है। ठीक है नीचे का दिखा मामा, नीचे का दिखाते हुए। मेरी बहन मुझे आज पहली बार कुछ खिला रही है, पहली बार। मेरे ये है भाई बहनों का प्यार। कैसे खा रहा है तू? मैं हाथ से खाऊंगा, क्या कर लेगा। इट्स माय फॉल्ट, आई एम सॉरी मानते इस चीज के लिए। दो प्रेमियों का जोड़ा, अरे दो प्रेमियों का जोड़ा देखा थी पीछे दे। हमारी डिमांड पे फ्रेश फ्रेश पकौड़ी बनाई जा रही है, गर्मा गर्म एकदम। उत्तराखंड की फेमस चीज है राहुल, कहीं भी रुक जाओ मिलेगा ही मिलेगा, जहाँ भी स्टेशन, जहाँ भी स्टेशन बने होंगे इस तरीके। तो अब हम पकौड़ियों का आनंद लेते हैं। तो कैसा है भाइयों टेस्ट बहना? बस बस वीडियो यहीं से। तूने डील नहीं कर दी क्या पहले? मैंने तो पहले डील कर दी। कुछ चीज की डील? वाह उनके यार का। बस एक प्लेट आपका। ये हमारी स्पेशल है, ओनली रायता रायता। ओ ये क्या बदतमीजी है। देखो क्या तो जालिम इंसान है, जालिम यूट्यूबर बनने का जा रहा है, रायता नहीं खिला पा रहा भाई। अभी मैं खा के रहूँगा। चलो भाई फाइनली ये सक्सेस हुआ मुझसे लड़ने में, कहीं तो आगे निकला तू। मैं हमेशा जीतता हूँ। मोटू है, मोटू हमारा बचपन में ऐसा था, ये इसका बचपन है, ये अब इसका फ्यूचर हो गया है। ये मेरी जवानी है, फ्यूचर तो दिखा दे, पेट अंदर कर दे रहा है। पेट है नहीं अंदर, पेट है नहीं बेटा, पेट पेटू ला ले चले बैठे थे भैया। इसने इतने प्लेट खा लिए, ये देखो शर्म नहीं आई थी, सारा खा लिया देखा हमें, तो शर्म नाम की चीज नहीं। ये देख देखो बिल पे कर, एक दो तीन चार मतलब गिनती नहीं है, प्लेटों के नीचे भी प्लेट है। और हमें की खाने दिया देखा है इन्होंने, बताओ ऐसे ऐसे दिन आ रहे हैं भाई। कलयुग है, गौर कलयुग। बिल तो पापा पे करेंगे, पापा पैसा बहुत है पैसा।
तो रास्ते में है मुझे, और यहाँ पे इतनी धुंध लग रखी है, ठंडा इतना हो रखा है मौसम, बस पूछो मत। ऐसा लग रहा है जैसे सर्दी के दिनों दिसंबर जनवरी का मौसम हो, बिल्कुल बहुत ज़्यादा फॉग लग रखी है यहाँ पे यार। और ऐसी सर्दी को छोड़ के दिल्ली में गर्मी में मरना है, कैसे जाएंगे समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल यार फॉग लग रखी है बहुत ज़्यादा। खुल गई भाई, खुल चुकी है नींद, इसको एकदम ठंड सी लगी तो नींद खुल गई इसकी। ठंड बहुत ज़्यादा ही हो रही है यहाँ पे, ज़्यादा हो रही है। ये यहीं पे रहेगा, इससे तो फिर भी गांव जाएगा ये उल्टा, तो वहाँ पे इतनी गर्मी नहीं है। अब हम जाएंगे दिल्ली यार, सोचो कैसे जाएंगे हम, भगवान ही मालिक हमारा। दिल्ली है बाद में, दिल्ली में आना है तूने, लेकिन बाद में आना है ना, अभी नहीं आएगा ना मौसम में, कोई सेंस है इस बात में? सर्दियों के मौसम में आएगा दिल्ली और भाई हम मरना के बर्फ में। ओ भाई हम तो स्वेटर भी नहीं लाए, देखे क्या करेंगे। ला तो ला अपने टी शर्ट एक मोटे। यार मैं गर्म कपड़े लेके ही नहीं आ रहा, मैंने गलती कर दी। ये भाई हमारा जा रहा है और मैं घूमने वाला हूँ बहुत ज़्यादा, और मैं से चढ़ाने भी वाला हूँ। नहीं ये नहीं, व्हाट्सएप पे स्टेटस डाले जाएंगे दवा के, दिखाया जाएगा नैनीताल, वीडियो भी बनाई जाए। एक दिन घूमना था मुझे नैनीताल का व्यू दिखाना था, वैसे तो मैं बहुत बारी घूम लिया हूँ, लेकिन मुझे एक बारी घूमना था यहाँ पे। इसका चैनल छोड़ के मेरे चैनल पे सारे व्यू दिखाऊंगा। यार नैनीताल तक आया और यहाँ से घूम नहीं पाया अच्छे से, इस चीज़ का दुख तो बहुत है। अब क्या कर सकते हैं भाई, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो भाई देखेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए साइड सीन से एंजॉय करो, क्योंकि मैं तो घूम लिया यहाँ पे बहुत बार आया हूँ, क्योंकि सिस्टर रहती है ना यहाँ पे, तो इस वजह से मैं आता रहता हूँ।